शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से साईं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कई गांव में सूखे की समस्या के लिए साईं पूजा जिम्मेदार है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, ये सूखा उसी की देन है। अपनी हरिद्वार की यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि साईं एक फकीर थे और एक भगवान के तौर पर उनकी पूजा करना पूरी तरह से अशुभ है। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां के लोग अयोग्य लोगों को पूजा करते हैं, ऐसी जगहों पर सूखे और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और लोगों की मौत होती है। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। शंकराचार्य ने शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को भी राजनीतिक बताया है। कहा है कि शंकराचार्य ने यहां तक कहा कि धार्मिक महिलाएं कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो गर्भगृह में जाकर पूजन करें। जिन्हें राजनीति करनी होती है वो इस तरह के कार्य करते हैं। वहीं गर्भगृह में सिर्फ पुजारियों को ही प्रवेश मिलने की इजाजत होनी चाहिए। सूखा पड़ने की वजह यही है कि साईं की पूजा और हमारे देवताओं का अपमान, और महिलाओं ने जो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही हैं, डंका पीट रही हैं। शनि की दृष्टि अब महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी, जबकि उनको प्रयत्न करना चाहिए था कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार लोग नशा करके कर रहे हैं तो नशे को नष्ट करने के लिए उनको उपाय करना चाहिए था। महिलाओं की तरफ से जो ये वहाँ दर्शन करके अनर्थ किया है, उसका परिणाम ये सब अनर्थ और बढ़ेंगे। शंकराचार्य के इस बयान पर सियासी दलों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। ये काय का शंकराचार्य है, ये कौन शंकराचार्य, कौन बनाता है इनको शंकराचार्य, जिनको ये मालूम नहीं कि पानी और सूखे का संबंध क्या है। साईं बाबा के ऊपर वो डाल देना, साईं बाबा के भक्तगण है, कई और भगवानों के भक्तगण है, हमको उनसे ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे शंकराचार्य जिनको इस भक्ति और श्रद्धा के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, इस शंकराचार्य को मेरे थाने शहर में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां उसको लाके वहां बिठाने की आवश्यकता। मैं शंकराचार्य जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखती हूँ, आदर रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है भगवान को उनको अच्छी सद्बुद्धि और ज्ञान देना चाहिए। ये उनको ईश्वर बुद्धि देवे, इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। आज सूखा तो देश के 11 स्टेट में है, और देखिए इस्लामिक उसके हिसाब से सूखा पड़ना, अर्थ के खाना, देश में तकलीफें आना, ये कब होता है, जब जुल्म ज्यादती बढ़ जाती है।